हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी की जो बुक है अंतराल, वहां से जो आपका चैप्टर है सूरदास की झोपड़ी, जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने, इसकी इजी समरी आपको नोट्स के साथ दूंगा और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी नोट्स की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और मैं अगर आपको बताऊं तो आपको जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। तो आप प्लीज हमारे चैनल को चेक करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम कि आखिर आज का जो चैप्टर है वो किस बारे में है। तो देखो, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास जो रंगभूमि, वहां से एक कहानी ली गई है। ठीक है, एक बहुत बड़ी किताब है रंगभूमि, वहां से एक कहानी निकाली गई है सूरदास की झोपड़ी नाम से। और इस कहानी में जो मेन हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो सूरदास है। और ये ब्लाइंड है, दृष्टिहीन है, इनको कुछ नहीं दिखता, गरीब है, भिखारी है, मांग कर अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, और इस कहानी में उसके गाँव के ही कुछ लोग मिलकर उसकी झोपड़ी जला देते हैं, क्योंकि वो उससे जलन करते हैं। अब वो आग क्यों लगाते हैं, इसका क्या कारण था, ये जानेंगे हम कहानी के अंदर। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं कि आज की हमारी कहानी में कौन कौन होने वाला है। तो सबसे पहला मेन कैरेक्टर है यहाँ पे सूरदास, जो कि एक अंधा भिखारी है, अपनी छोटी सी झोपड़ी के अंदर रहता है। ठीक है, मांग कर अपना गुजारा करता है। और एक और यहाँ पे कैरेक्टर आता है, ये नेगेटिव कैरेक्टर है, इसका नाम है भैरव। ये गांव का ही आदमी है, सूरदास के ही पड़ोस में रहता है, और इसी ने सूरदास बेचारे की झोपड़ी जलाई थी, आग लगाई थी। क्यों लगाई थी वो कहानी के अंदर पता चल जाएगा। अब इसकी जो पत्नी है वो है सुभागी। कौन है ये? भैरव की पत्नी है। उसके बाद अगला कैरेक्टर आता है मिठुआ, सूरदास जी का बेटा। ठीक है, पुत्र है। और सूरदास जी ने बहुत उम्मीदें पाल रखी थी कि मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए ये करूंगा वो करूंगा, मतलब बहुत ज्यादा प्यार था उनको अपने बेटे से। और अब मैं अगर आपको बताऊं, सूरदास ने भाई यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, सूरदास ने जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर से पैसे मांग मांग कर कुछ पैसे इकट्ठे करे थे। और उसकी सिर्फ तीन अभिलाषाएं थी, तीन इच्छा थी उसके जीवन की, वो कुछ करना चाहता था। सबसे पहला, वो जो उसने पैसा संचित किया था, जो इकट्ठा किया था, उससे वो अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था। जो हमारे पितृ देव होते हैं उनका वो पिंडदान करना चाहता था, और अपने पालित पुत्र मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, जो उसका बेटा मिठुआ है उसकी शादी करना चाहता था, और गांव के लिए एक कुआं बनवाना चाहता था। ये तीन उसकी इच्छाएं थी, इसी के लिए वो पैसा इकट्ठा किया करता था। अब मैं आपको बताऊं भैरव के बारे में, ये गांव का ही एक निवासी था। ठीक है, खलनायक था भाई, नेगेटिव एकदम, जिसे कहते हैं ना विलेन कैटेगरी का ये आदमी था। और अपनी बीवी के साथ बहुत हिंसा करता था, बहुत ज्यादा लड़ाई, बहुत ज्यादा झगड़ा, रोज पिटाई किया करता था अपनी बीवी की, और उसकी बीवी परेशान आ चुकी थी। नकारात्मक व्यक्ति था भाई ये, नेगेटिव कैरेक्टर था पूरी कहानी में। और भैरव की पत्नी जो है वो सुभागी थी। ठीक है, सुभागी, और भैरव इसे रोज मारा करता था। भैरव की मार से बचने के लिए ये सूरदास की झोपड़ी में शरण लेने चली जाती है। ठीक है, कि सूरदास जी की झोपड़ी में छुप जाती हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है, झोपड़ी में आग लगने का जो मेन जो किस्सा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो भाई देखो, भैरव की पत्नी अपने पति की रोज रोज की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण ले लिया करती थी। अब सूरदास को ये मतलब देखता है जब वो भैरव, कि भाई ये मेरी पत्नी को छुपा रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं मेरी पत्नी पे लाइन मार रहा हो, डोरे डाल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ईर्ष्या भाव आ जाता है उसके अंदर। तो अब वो सूरदास को अपना दुश्मन समझ लेता है कि भाई ये मेरी पत्नी को क्यों अपने घर में छुपाता है, क्या चक्कर चल रहा है इन दोनों का। तो वो बदले की आग में बदला लेने के लिए ठान लेता है कि इसकी झोपड़ी जला देगा वो। और ऐसे में क्या होता है, भैरव धीरे धीरे सूरदास से ईर्ष्या करते करते वो एक रात जाता है, भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने के लिए घुसता है, और वहीं उसे सूरदास की जमा पूंजी की एक पोटली मिलती है। मैंने बताया ना सूरदास पैसे जमा करता था कुछ तीन वजहों, तीन कारणों की वजह से। वो जो कारण थे उसके लिए उसने पैसे की पोटली जमा करी थी, और उस बंदे ने भाई भैरव ने वो पोटली उठा ली और उसने चुरा कर पोटली को झोपड़ी में लगा दी आग। अब भाई बहुत सभी लोग रोने लगते हैं, मिठुआ रो रहा है, सूरदास रो रहा है, पूरी
पूरा गांव जुट जाता है आग बुझाने के लिए। सभी आग बुझाने के लिए आते हैं, सोचते हैं भाई कौन अपराधी है, किसने ये काम कर दिया होगा। सूरदास बहुत निराशापूर्ण मनोस्थिति में आ जाता है भाई, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, हैरान हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। उसके मन में एक ही बात आ रही थी कि किसी प्रकार मैं झोपड़ी में जाकर अपनी पोटली तो निकाल लूं। उस बेचारे को नहीं पता था कि जलती झोपड़ी के अंदर की पोटली जो थी वो चुरा के जा चुका है वो वाला आदमी, ठीक है भैरव। तो वो सोचता है कि ये झोपड़ी जल रही है, अंदर मेरे पैसे जल जाएंगे, मेरी पोटली है। तो होता क्या है, उसे अपनी सभी मनोकामनाएं पोटली के साथ जलती नजर आ रही थी। उसे तो यही लगता है कि झोपड़ी जल रही है तो मेरी पोटली भी जल गई, और रोता है बेचारा, कहता है यार झोपड़ी तो फिर बना लूंगा पर मेरी जो पोटली गई है वो अब कैसे करूंगा, मैं तो गरीब भिखारी आदमी हूं, मुश्किल से पैसे जोड़ के इकट्ठे करे थे मैंने। अब क्या होता है, झोपड़ी के जल जाने पर सूरदास झोपड़ी में अपनी पोटली तलाशने जाता है, और वहां पर चारों तरफ फूस की राख थी, यानी कि जो वो जो फूस की झोपड़ी बनती है ना कच्ची सी, उसी की राख पड़ी हुई थी, और उसकी तीनों अभिलाषाएं भी जल चुकी थी, यानी कि उसके पैसे गए तो भाई उसकी अभिलाषा कैसे पूरी होगी। अब ढूंढने पर भी उसको उसकी पोटली नहीं मिलती, तो जगदर सूरदास की झोपड़ी के जलने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझकर भैरव के पास जाता है। जगदर को शक होता है कि भाई, जगदर एक और आदमी था गाँव का ही, उसको लगता है कि भैरव ने ही ये काम किया होगा। वहां उसे पता चलता है कि भैरों ने झोपड़ी तो जलाई, साथ साथ सूरदास की पोटली भी चुराई थी उसने। तो जगधर के मन में अब थोड़ा सा ना ईर्ष्या लालच का भाव आ जाता है पैसों को देखकर, ठीक है। और भैरों को रातों रात बिना मेहनत किए पैसे मिल गए तो उसे भी ये मिलने चाहिए। वो कहता है मुझे भी कुछ पैसे दे वरना मैं सबको बता दूंगा। वो धमकी देता है भैरों को कि भाई अगर तूने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए आधे तो सूरदास को जाके इराज बता दूंगा तेरा कि तूने ही उसकी पोटली चुरा रखी है। लेकिन भैरो बिल्कुल क्लियर मना कर देता है, जिसे बताना है बता। अब इसी ईर्ष्या की भावना में आकर जगदर सूरदास को भैरो की चोरी के विषय में बताता है, तो भाई सूरदास बहुत ज्यादा दुखी होता है, बट वो लोगों को बताना नहीं चाहता कि मेरी आर्थिक हानि हुई है, मेरे इतने सारे पैसे चोरी हो चुके हैं, क्योंकि वो ये मानता है कि गरीब के पास इतने पैसे अगर कोई आदमी देखेगा तो वो समझेगा कि ये इसने चुराए हैं। सोच रहे हो, सूरदास कहता है कि मेरे जमा किए हुए पैसे भी अगर जनता को पता चलते हैं कि भाई अगर चोरी हुए हैं तो जनता मेरे पे शक करेगी, ये तो भिखारी है, इस पे इतने पैसे कैसे आए। तो बहुत शर्म आ रही थी उसको दुनिया को बताने में। तो भाई सुभागी जो है वो जगदर और सूरदास की बातें सुन रही है, और सूरदास से वो सहानुभूति रखते हुए कहती है कि आप परेशान मत होइए, आपकी पोटली वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपके पास से जो पैसे हैं वो वापस लेकर आऊंगी। अब सूरदास की क्या सोच होती है आगे की वो मैं आपको बताता हूं। तो वो सोच रहा था कि रुपये मैंने ही तो कमाए हैं, क्या हुआ फिर नहीं कमा सकता, फिर से मांग लूंगा मैं। तो उसे सुभागी की भी फिक्र हो रही थी कि यार ये मेरे लिए जाएगी, फिर वो उससे लड़ाई ना करे। तो ये सब सोचते सोचते वो रोने लगता है सूरदास, बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोता है। अचानक वो हैरान हो जाता है, चौंक जाता है, जब उसे आवाज आती है, तुम खेल में रोते हो? अब ये आवाज किसकी थी? मिठुआ खेल खेल रहा था अपने दोस्त के साथ, तो उसका दोस्त घीसू उसको चिढ़ा रहा था, अबे तू तो खेल में रोता है। अब वो खेल में रोता है वाली आवाज सूरदास के कानों में पड़ गई। अब सूरदास ये सोचता है यार ये जिंदगी भी तो एक खेल है। सूरदास खुद से कहता है कि यार मैं भी तो खेल में रो रहा हूँ, ये झोपड़ी जली है, ये जिंदगी का खेल है, इसमें रोने की क्या जरूरत है, फिर से मुझे हिम्मत करनी चाहिए, फिर से सब कुछ बन जाएगा, है ना, एक दोबारा से अपने में विश्वास होना चाहिए। तो वो ये कहता है खड़ा होकर कि सच्चे खिलाड़ी कभी भी रोते नहीं है। अब आगे क्या होता है, मिठुआ आके कहता है कि देखो दादा, वो दादा भी कहता था अपने पापा को कि फिर कोई आग लगा दे अगर तो हम क्या करेंगे। तो सूरदास कहता है बेटा हम फिर एक बारी झोपड़ी बना लेंगे। मिठुआ कहता है अगर कोई 1000 बारी आग लगा दे तो वो कहता है कि तो हम 1000 बारी बना लेंगे। अब वो कहता है कोई 100 लाख बारी आग लगा दे तो वो कहता है बेटा तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि आग किसने और क्यों लगाई, सूरदास की तीन अभिलाषाएं क्या थी, ठीक है, सूरदास की सोच क्या थी, सूरदास का चरित्र कैसा था, इसी के ऊपर प्रश्न आपके बनते हैं। तो अगर आपको ये कहानी इजीली समझ में आई है तो आप प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाना और लाइक जरूर कर दें वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।